नमस्कार दोस्तों, आज का ये लाइव वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ जी, बहुत ही खूबसूरत गौशाला से। बहुत सारी गौशालाएँ आपने देखी होंगी, लेकिन इतना अच्छा मैनेजमेंट और इतना अच्छा जो है इन्वायरमेंट और इतना अच्छा जो है वो रख रखाव आपने नहीं देखा होगा किसी भी गौशाला में। तो आप सारे भाई मेरे साथ जुड़े रहें। एक गौ की सेवा क्या होती है वो आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे। और बहुत ही खूबसूरत जो है ये गौशाला है, मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको चारों तरफ घुमा के जो है कैमरा। और बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही ज़्यादा सेवा केयर सारा कुछ जो है बेहतरीन है। ऐसा मैनेजमेंट शायद ही जो है वो कभी मैंने देखा होगा। तो एक बार सारे भाई जुड़ जाएं, फिर आप बातचीत शुरू करेंगे। मैं गौशाला दिखाऊंगा। सन्नी भाई लखोवाड़, हैप्पी भाई कुलदीप गुरदासपुर से हैं, जय श्री महाकाल अनुराग पाटीदार लिख रहे हैं, कराड़ महाराष्ट्र से शुभम पाटिल हैं, और भाई मोहम्मद अली भाई साजिद भाई कह रहे हैं क्या बात है, बहुत ही शानदार साजिद भाई गौशाला है और इतनी केयर इतनी साफ सफाई शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगी। और मोस्टली जो है इस गौशाला पे HSB का सीमन जो है वो यूज हो रहा है। और ये गौशाला है जी हिमाचल प्रदेश में। आज मैं हिमाचल प्रदेश में हूँ और बिंदर भाई के यहाँ जब आप लाइव चलाया तो बिंदर भाई से थोड़ी सी दूरी पे ही जो है वो ये गौशाला है, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे। और बिंदर भाई भी अपने साथ ही हैं और बहुत अच्छा काम जो है इधर इस एरिए में बाबा जी के हाथों से कर कमलों से हुआ है। और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो गायें हैं, ये देखिए जी, कुछ दूध देने वाली हैं और कुछ जो है वो मोस्टली सेवा वाली हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और गाय थोड़ी सी देख रही हैं कि कोई नया आदमी कैसे इतना बोल रहा है बीच में आके, क्योंकि बिल्कुल शांत एरिया है जी, बिल्कुल शांत। और बिंदर भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। ये कौन सी जगह है गौशाला? डिस्ट्रिक्ट ऊना पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हाँ हाँ। और गांव जखेवाल। जखेवाल ठीक है। श्री डांगू वाले महाराज जी। डांगू वाले महाराज जी, काफी नाम है बाबा जी का एरिया में। बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया है एरिया के लिए। हाँ हाँ। हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया बनाया है, मान लो जो पीड़ित होते हैं उनके लिए। हाँ हाँ। और कॉलेज बनवाया है। अच्छा। बच्चों के लिए और हाँ। बना के फिर गवर्नमेंट को सौंप दिए है। अच्छा। उसमें कोई प्रॉफिट वाली बात नहीं की है। हाँ हाँ। और जो गौशाला जो बहुत गाय ऐसे जो गांव में घूमती थी वो है, कुछ गाय जो बाइट जो हरियाणा से आई है। ठीक है। हाँ, कुछ वो उधर से आई है अपना किशनगढ़ से। ठीक है। गिर की। हाँ हाँ। और कुछ थार पार कराई उधर जैसलमेर साइड से। ठीक है। हाँ, और मेरे हिसाब से हो गए 100 के आसपास तो सांड ही हो गए जो गांव में घूमते थे वो पकड़े हुए हैं। कोई छोड़ जाता, कोई पीड़ित गाय है वो उसके लिए गाड़ी लाई हुई है मान लो उठाने के लिए, वो छोड़ जाते इधर। अब तो गौशाला भर गई, अब तो बाहर के आने बंद कर दिए, क्योंकि फिर जब सेवा ही नहीं होगी फिर उसका इधर ले आने का भी क्या फ़ायदा है। जब ज़्यादा पशु, जिनकी पशु जितने थे उनसे ज़्यादा लिमिट के से ज़्यादा पशु अब भी है इधर। हाँ हाँ। मेरे हिसाब से होगी 500 के करीब गाय होगी इधर उधर। हाँ, HF अलग कर दी है, देसी है जो अलग रखी है। ठीक है। हाँ, HF का और इनका 2 किले का उसमें फ़र्क कर दिया, क्योंकि उनको चिचड़ बहुत पड़ते थे। हाँ, वो इनको भी चढ़ जाते थे, उनको अलग कर दी गौशाला फिर। ठीक है। तो देखिए जी, लगभग 500 के आसपास गाय हैं और देखिए हर गाय के नीचे मैट डाला गया है, साफ सफाई आप देख रहे होंगे, बहुत ही क्लियर गाय सारी बिल्कुल साफ सुथरी हैं। कोई भी गाय के ऊपर किसी भी तरह की कोई ज़्यादा कोई गोबर नहीं। और केयर देखिए जी, पहली बार कोई ऐसी मैं गौशाला देख रहा हूँ, मैं पहले भी विजिट करके गया हूँ। डेली गाय को भी फर्श है ना? हाँ। डेली तो होते, डेली मैट धोते हैं। ठीक है। रात को बाहर कच्चे में और सुबह धूप में इधर पंखे लगा देते हैं, होगर सब लगा हुआ है गर्मी से बचाने के लिए, और सर्दी में चार चपेरे और तरपाल लगा देते हैं।
ठीक है, सर्दी में तरपाल लगा देना। और देखिए जी फोगर भी लगे हुए हैं और पंखे देखिए, मेरे ख्याल से कम 100-150 तो पंखे ही चल रहे हैं सारी जगह आप देख पाएंगे। और बाहर का भी जगह देखिए बहुत ही बढ़िया, और बिल्कुल जो ये बाड़ा है इसके सामने कच्ची जगह है यहाँ। अच्छा डेली पशु बांधते हैं? अच्छा बांधते हैं, डेली बांध के ही रखते हैं जो तो है, जो गाय इधर वाली वाइट है इनको तो बांध के रखते हैं। हाँ, बाकी जो सांड सूंड है वो दूसरे है, एक दूसरे से मिले हुए हैं, नहीं दूसरे को मारते वो खुले घूमते हैं। ठीक है, और डेली साफ करके नया रेता डाल देते हैं जो पुराना खराब होता है। ये देखिए जी नया रेता डाल देते हैं, और कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे गाय बांधी गई होगी शाम को। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दृश्य है, पेड़ पौधे बहुत हैं, हवा बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा है, और ज़बरदस्त है जी, दिल लगने वाली जगह है। ऐसी गौशालाएँ जो हैं वो शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगी, प्रॉफिटेबल गौशालाएँ आपको हो सकता है देखने को मिल जाए इतनी अच्छी, लेकिन जहाँ प्रॉफिट की बजाय जो है सेवा हो रही है वहाँ देखिए बच्चियाँ भी बहुत सुंदर सुंदर हैं, और गाय भी देखिए बहुत ही शानदार, वाजिबात मज़ा आ गया देख के। बाबा जी को सत सत प्रणाम, सत सत नमन, जो इतना अच्छा जो है वो मैनेजमेंट है। और जैसा कि बिंदर भाई ने बताया, अगर आपको बात पूरी समझ में नहीं आई होगी तो मैं बता भी देता हूँ कि स्कूल हैं, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल हैं, वो जो हैं बाबा जी ने तैयार करके और वो दे रखे हैं इधर, जो अपने सरकार है उसको सौंप रखे हैं, तो बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है जी। साफ़ सफाई देखिए, कहीं कोई मक्खी नहीं, मच्छर नहीं, और साफ़ सफाई बहुत बढ़िया। क्या कह रहे थे बिंदर भाई आप? मैं तो यही कह रहा था, सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं लेते, ऐसे नहीं कि सरकार से कोई या किसी से चंदा मांगते या गांव में किसी में जाते हैं ना। अच्छा। कोई अपने मर्जी से कोई पट्ठा भेज दे तो भेज दे, नहीं तो खुद ही मूल लेना है पट्ठा, या कोई सेवा कर दे तो। ऐसे किसी के ऐसे नहीं है किसी को गांव में जाकर परेशान करना के गौशाला के लिए कुछ दो, कभी नहीं, ऐसे कभी नहीं ऐसे ऐसे होता। ठीक है ठीक है, तो ये देखिए जी बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त जो है गौशाला है, और इधर भी देखिए इधर सारी खुली हैं लगभग गाय, कुछ बंदी हुई नहीं है, सारी की सारी खुली हैं, और ये सारी गायें सेवा वाली ही हैं। और ये देखो जी बच्चे बहुत ही बढ़िया, ये देखिए हेल्थ देखिए बच्चों, कुछ आप वाले बुल्लों के है। हाँ हाँ बच्चे, वो तो उनको भी पता जो सेवादार है, मेरे को तो पता नहीं इतना। साहिवाल का लग रहा है अपना इधर, गिर के भी सभी आपके लग रहे हैं अब। अच्छा। ऐसे है ना भाई, जैसे पहले बुल थे इधर, बुल्लों की बच्चियां आ गई ना, वो बच्चियां उन बुल्लों से नहीं करवाते, इनब्रीडिंग नहीं करवा रहे हैं। ठीक है ठीक है, कि नस्ल सुधार हो जाए, चलो गाय कोई ले भी जाए उसका फायदा हो जाए, कोई गरीब है वो ले भी जाता दूध पीने के लिए, दूध पीकर छोड़ जाते हैं फिर। ठीक है ठीक है, मान लो ऐसे नहीं करवाते कि बुल उसी की बच्ची है उसी से क्रॉस नहीं करवाते, इनब्रीडिंग नहीं हो रही। तो देखिए जी अपने वाला एचएसबी भी लग रहा है, और बिंदर भाई जो है वो संभाल रहे हैं, चाहे वो अपनी एचएफ हो, एचएफ भी लग रहा है अपना। हाँ एचएफ जो कुछ एचएफ की गाय है उनमें एचएफ लग रहा है, कुछ जो अपनी हरियाणा है जैसी ब्रीड है वैसा ही बीज लग रहा है। तो ये देखिए जी बहुत ही सुंदर जो है गौशाला, और इसमें केसरियों की भी बछड़ियाँ, और देखिए नाली में भी जो है आपको कुछ भी गोबर वोबर नहीं दिखेगा, ये देखिए। ये नहीं आज आपने आना था भाई? हाँ हाँ दिल्ली ऐसा होता है। अच्छा आपको तो पता, हम तो बता के भी नहीं आए। हाँ 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 दिल्ली ही ऐसा होता है, इतनी सफाई किसी टाइम भी आ जाओ ऐसे ही मिलेगी। ठीक है ठीक है, ऐसे नहीं है कि गोबर के ऊपर ही बैठ बैठ के गाय, हमारे घर में भी देखिए आपने गाय पे इतना इतना गोबर है, बेशक रंबे से उसको उतार दे इतना इतना गोबर लग जाता है, यहाँ ऐसे नहीं है। पशु रखने गाय की गौशाला हो तो ऐसी हो, नहीं तो ना रखे। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए जी कुछ इसमें अपने केसरियों के बछड़े बछड़िया भी होंगे, जो आइडेंटिफाई जो है यहाँ की मैनेजमेंट ही करेगी, बाकायदा सब रिकॉर्ड रखा जाता है। वो अभी जो भाई इधर संभालते हैं वो है नहीं, फिर मैं कहूँगा बाबा जी को जो है सत सत नमन है कि इतना अच्छा जो है उन्होंने मैनेज कर रखा है गौशाला को। और देखिए पेड़ पौधे बाहर भी जो है वो कहीं एक्स्ट्रा घास कुछ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया जी। ये देखिए पेड़ पौधे हैं, पीछे थोड़ा पहाड़ सा भी दिखाई दे रहा होगा आपको, आसमान देखिए कितना साफ है, ये देखिए बहुत ही बढ़िया जगह है, पोल्यूशन फ्री, हवा पानी बहुत बढ़िया। ये सारे सांड है? अच्छा ये सांड ही सांड है? सांड ही सांड है सारे। ठीक है ठीक है, इतने भी सारे सांड, इनकी भी सेवा होती रहती है, जो उनको डलता वो इनको डलता है। ठीक है ठीक है,
तो देखिए जी बहुत ही बढ़िया। और ये देखिए कोई बाहर से कोई कुत्ता बिल्ली भी ना आ जाए, जालियां वगैरह नाली के ऊपर आप देख पा रहे हो। बहुत अच्छी जगह है जी, देखने वाली जगह है। और जब भी आप इधर आए तो गौशाला में सेवा जरूर करके जाएं। और ये सारे सांड है जी, ये देखो वो एक बाड़ा हो रहा सांडों का। ठीक है, अच्छा एक बाड़ा हो रहा, बाकी इतना लंबा वीडियो नहीं खींचेंगे। और बोला शिक्रवार राम राम लिख रहे हैं मुकेश कुमार भाई सिरसा से हैं, और बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं जी। और सारे भाइयों का दिल से धन्यवाद है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। सबसे पहला सांड ये है जी, बिंदर भाई कह रहे हैं देखिए। और कौन सी ब्रीड है बिंदर भाई? ये मिक्स है, गिर का, गिर मिक्स है। ठीक है, मारेगा तो नहीं? नहीं तो आ जाएगा, पता नहीं उठता नहीं, बहुत पुराना हो गया। उठता है कि नहीं उठता इस बात की भी, रहने दो, पैर के पट्टी भी बंधी हुई है। रहने दो बिंदर भाई, चोट लगी जी रात को और उठता नहीं है। आजा, उठता तो है, कल ही चोट लगी है। मिठू आजा, मिठू नाम है बिंदर भाई, रहने दो, क्यों परेशान कर। आजा आजा ले आजा। ओहो हो, बहुत पुराना सांड है, उम्र काफी है इसकी। इसके कैसे लगी भाई चोट? ये देखो जी, नई उम्र के शोरों के साथ कर ली होगी लड़ाई। हाँ हाँ, सुंदरता देखो जी बुल की, बहुत ही बढ़िया, सारा कुछ ही बहुत बढ़िया है जी। पैर में चोट लगी हुई है, ऊपर भी जख्म है, कोई बुल के साथ लड़ाई होगी होगी। और ये देखो इधर, सारा सारा दिन गोबर उठाते हो भाई साहब? अच्छा, ये देखो जी गोबर की ट्राली रखी है, सारा दिन ही गोबर जो है साथ के साथ उठता रहता है। बहुत ही अच्छा जो है गौशाला है जी। बाबा जी को फिर मैं कहूँगा, यहाँ है नहीं शायद बाबा जी, है ना? नहीं, बाबा जी तो सुबह सुबह आते हैं। अच्छा, उनको रोटी पेड़े देने। अच्छा, उसके बाद तो जो मदन लाल है जो इधर रहता है लड़का, वो नहा रहा है, कहता अभी मैं आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, आप जब तक देखोगे। चलो आप फिर बीज रख दो गए के, तब तक आप चल ही पड़ेंगे। हाँ रख देते। तो ये देखो जी बाहर की भी जगह मैं दिखा देता हूँ आप भाइयों को के। हाँ मैं दिखा देता हूँ, ठीक है आ जाओ फिर आप भी साथी। तो ये देखिए जी बाहर की जगह बहुत ही खूबसूरत है। और जैसा कि बिंदर भाई ने बताया, अभी भी कोई ये नहीं बता सकता कि यहाँ कोई गाय जो है वो रात को खुली छोड़ी है या बांधी गई है। डेली की डेली गोबर उठना, डेली की डेली मिट्टी चेंज होनी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, आपका दिल लग जाएगा। वैसे भी हिमाचल देवभूमि है, ऐसी जगह है जहाँ हवा पानी सब कुछ बहुत ही शुद्ध है। और यहाँ देखिए छोटी बछड़ियाँ जो हैं इधर से। अच्छा, सफाई देखो जी सार चारों तरफ आप, ये देखिए। इसमें फीमेल भी हैं और मेल भी हैं। हाँ। परली साइड वाले मेल हैं और सारे मेल हैं। ठीक है, ये देखो जी एक नंदी भी है, बढ़िया। जो आपको फोन कर रहा था ना मैं। हाँ हाँ, कचरे के लिए, इधर के लिए चाहिए ना वो। अच्छा अच्छा, कई बार मेरे से आया नहीं ना जाता। हाँ हाँ, फिर मुश्किल पड़ जाती है। साहिवाल का, साहिवाल का टॉप का चाहिए, रिकॉर्ड वाला। ठीक ऐसे है, नहीं है कोई जैसा टकरा वो, ऐसा नहीं। हाँ, पहले भी लेकर जो नंदी आए ना। हाँ, वो बढ़िया ही लेकर आए हैं। ठीक है ठीक है, ऐसा नहीं है कि 3-4 किलो का बच गया उससे गाय कराते, नहीं। ठीक, पहले भी 20-20 किलो दूध वाली साहिवाल है ना, उनके बच्चे लिए हुई है। ठीक है, अब ब्रीड चेंज करनी पड़ेगी ना, 3 साल में बच्चिया आ गई उनकी। तो देखो जी बहुत ही बढ़िया नंदी, थार पार्कर और सारी जो गाय हैं वो बहुत ही खूबसूरत। और बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ जगह, बहुत ही खूबसूरत जो है गौशाला है। और मैं कहूँगा यहाँ से तो एक बार आप एंट्री कर लोगे तो शाम तक आपका जाने का ही मन नहीं करेगा। बहुत हरियाली, बहुत ही साफ सफाई, बहुत ही बढ़िया। और उधर 2 एकड़ दूर थोड़ा सा जो है वो HF की गाय हैं, वो आप नहीं दिखाएंगे, लेकिन गौशाला आप देखोगे तो जी बहुत ही शानदार। और किधर चलना है भाई?
ये देखो जी, ये इधर के लोकल पत्थर लगाए के कितनी बढ़िया डिजाइन, ये देखो डिजाइनिंग देखो जी, बाबा जी की डिजाइनिंग है जी सारी। अच्छा, उनकी डिजाइनिंग तो इंजीनियर भी फेल नहीं कर सकता, इंजीनियर सोच भी नहीं सकता ये चीज जो उन्होंने बना दी। जब देखा ना हमने नई नई तैयार हुई ना, तो ऐसे लगता था कैसे जैसे फॉरेन का कोई नक्शा लेकर आया हो, ऊपर से ड्रोन से फोटो फोटो खींची हुई देखी, इतना बढ़िया लगा। फिर हम देखने के लिए आया, बहुत बढ़िया बना। ये देखो जी डिजाइन देखो, गौशाला में और पत्थरों से कितनी बढ़िया जो है वो सजावट हुई है, और पेड़ पौधे देखो बहुत ही बढ़िया, और झोपड़ी देखिए इधर जो बनी हुई है वो भी बहुत ही बढ़िया। ये देखिए जी सही है भाई, असि निकल जाना, असि निकल जाए। ये देखिए और कुछ दिखाना है भाई, इंद्र भाई कोई नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है जी। जितने भी भाई जुड़े रहे सारे भाई, ये वीडियो सारी जगह शेयर कर दो, ताकि गौशाला का पता चले के जी ऐसी भी जो हैं गौशालाएं होती हैं। ये देखो एंट्री गेट, एंट्री गेट से मैं एक बार घूम के आपको दिखाता हूँ, आपका मन लग जाएगा। ऐसी जगह है कि आप छोड़ के जाने का मन नहीं करेगा। ये देखिए इधर मंदिर बना हुआ है, और बाबा बालकनाथ जी जो हैं वो, और यहाँ से देखोगे आप गौशाला का दृश्य तो बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए ठीक है दोस्तों, सारे भाई जो हैं जो गौमाता से प्यार करते हैं, सारी जगह वीडियो शेयर कर दो, और अपने इस पेज को चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और सारे भाई जो भी जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से राम राम। कैसी लगी गौशाला कमेंट्स करके जरूर बताना मेरे को सारे भाई। अब जैसे सब्जियों का सीजन है ना, अब ऐसे नहीं है, गंद मंद गऊ को डाल दिया सारा, वो देखो कैसे खीरे कूरे कितने बढ़िया सलाद डलेंगे शाम को ना, जैसे शाम को चौड़ी के टाइम ना, फीड फूड कम, ऐसे देसी जो ऑर्गेनिक है ना अपने, खीरे है तर है और सलाद का सिस्टम, वो सारा शाम को डलता है। ठीक है ठीक है, तो ये देखिए जी मैं खीरे वगैरह मैंने जाते हुए देखे जरूर थे, लेकिन मैं मेरे दिमाग से निकल गया था, तो अभी दिखाता हूँ आपको जो फीड वाला एरिया है वहाँ पे। वहाँ मैं कहूँगा सफाई तो इतनी आज तक हमने किसी डेयरी फार्म पे भी नहीं देखी होगी जितनी सफाई गौशाला में है। ये देखिए खीरे वगैरह काट के पूरी तैयारी है शाम के लिए, और बिल्कुल साफ़ सुथरा जो है वो सारा कुछ। ये देखिए और पीछे फीड का भी जो मैनेजमेंट है वो देखिए बहुत ही बढ़िया, चक्की भी लगा रखी है, और गुड़ इधर पड़ा है, दिल खुश हो जाएगा आपको गौशाला देख के। वाह जी वाह। ठीक है दोस्तों, सारे भाई शेयर कर दो, सारे भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, बाबा जी को सत सत नमन के इतना अच्छा उनके साथ उनकी देखरेख में जो है गौशाला में गायों की सेवा हो रही है, जितना भी कहें उतना कम। और आप कमेंट्स आपको कैसी लगी।